रही हूँ कि आप बेडरूम में कैसे अपने लोअर एब्स को वर्कआउट कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने वर्कआउट किया एब्स के लिए, आप सिक्स पैक कैसे बना सकते हैं अपने बेडरूम में रह के, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसी बेडरूम में आप सिक्स पैक भी बना सकते हैं और इसी बेडरूम में आप अपने एब्स को बहुत अच्छी शेप दे सकते हैं। और अपने लोअर एब्स को, स्पेशली लेडीज़ आपको बहुत प्रॉब्लम होती है लोअर एब्स की, राइट, स्पेशली आफ्टर प्रेगनेंसी ये लोअर एब्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। एंड वेदर ये मैन और वुमेन लोअर एब्स की प्रॉब्लम हर किसी को रहती है। इफ योर लोअर एब्स आर रियली गुड देन आपके एब्स बहुत अच्छे दिखाई देंगे। एंड अगेन वंस अगेन मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि जैसे कि ये बेड आप देख रहे हैं कि कहीं भी आप बेड पे अगर वर्कआउट करते हैं तो बेड बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए या बहुत टाइट नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ना बहुत सॉफ्ट है ना बहुत टाइट है, ये एक नॉर्मल बेड है। और यहाँ पर बेडरूम में आज हम वर्कआउट करेंगे लोअर एब्स के लिए 3 मेरी फेवरेट बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगेन हमें यहाँ पर बैठना है और बहुत पीछे नहीं जाना है, इस तरह से नहीं बैठना है, बल्कि आपको यहाँ पर आगे की तरफ बैठना है। एंड यूजुअली ये वर्कआउट भी आप यूजुअली फ्लोर पे करते हैं, लेकिन आज यहाँ पर हम बेड पे करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट टाइम भी अपने वीडियो में कहा था कि आप जब इस तरह से बेड का वर्कआउट करते हैं तो आपको रेंज ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा मिलता है। जब हम फ्लोर पर वर्कआउट करते हैं तो आप फ्लोर से अपने पैर को लिफ्ट अप करते हैं, लेकिन जब हम इस तरह बैठ के वर्कआउट करते हैं तो नीचे से लेके ऊपर तक हमें एक बहुत ही अच्छा अपने पैरों को मूवमेंट देने का एक मौका मिलता है। सो ये जो आप फ्लोर पर करते हैं एक्सरसाइज, यही आप यहाँ पर आपको बेड पर रहकर करनी है। अपने पैर को इस तरह से लिफ्ट करना है एंड नीचे से पैरों को ऊपर करना है। अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो आप इसको सिर्फ पैर को, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सिर्फ पैर को अगर आप लिफ्ट करेंगे तो आपको पूरा प्रेशर आपके सिर्फ और सिर्फ लोअर एब्स में यहाँ पर आने वाला है। एक्सरसाइज नंबर 2 ये इसमें भी आपको सिर्फ आगे की तरफ बैठना है। और ये भी जो आप लेट कर फ्लोर पे करते हैं, इस तरीके से अपने पैरों को दोनों तरफ लेकर जाना है, दोनों पैरों को, जिससे आप पूरा सर्कल घुमाते हैं। इस तरीके से सिर्फ हाफ सर्कल आपको यहाँ पे लेना है। और इसमें भी फ़ायदा ये होता है कि जब आप फ्लोर पर होते हैं तो फ्लोर से अपने पैरों को साइड में उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ज़मीन से अपने पैरों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर एक और ये एडवांटेज मिलता है। एंड अगेन आगे की तरफ बैठना है ताकि आपके लोअर एब्स को अच्छा सा वर्कआउट मिले। आप चाहे तो पूरा इस तरह से लेट के भी कर सकते हैं, और आप अगर आपको अच्छी प्रैक्टिस है तो आप थोड़ा सा अपने आप को ऊपर उठा करके भी कर सकते हैं। एंड इफ यू आर रियली ट्रेंड तो अपने हाथों को सिर्फ यहाँ पर रखिए। तो इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज नंबर 2 कर सकते हैं, स्पेशली फॉर द लोअर एब्स।